झमाझम बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल। बारिश में मंदिर में दिखा श्रद्धालुओं का गुस्सा। पिछले 7 सालों में नहीं हो पाया, समस्या का है। श्रद्धालुओं ने मोदी योगी सरकार को जमकर कोसा। मौसम के करवट लेते ही अब स्मार्ट सिटी की पोल खुलने लग गई है। एक और काशी में जहां स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी काशी में लबालब पानी भरा हुआ है। तो वहीं आगरा में भी झमाझम बारिश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। रविवार तड़के करीब 4 बजे से गरज चमक के साथ रिमझिम बारिश शुरू हुई। जल निकासी न होने के कारण बारिश के पानी से सड़कें लबालब हो गईं। घरों में भी 1 फीट तक पानी भर गया है। कई सड़कों पर गड्ढे होने से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। शहर के प्राचीन पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में भी 1 फीट तक पानी भर गया है। ये हालात कोई पहली बार नहीं है। पिछले 7 सालों से पृथ्वीनाथ मंदिर में पानी भरा रहता है, कोई इसका समाधान नहीं कर रहा है। मौके पर मौजूद लोगों से जब कबीर ने उसकी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा ना कोई विधायक इसको लेकर कोई सुनवाई करता है और ना ही कोई सांसद। पिछले 7 सालों से इस समस्या का कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। बता दें, बारिश से जहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं जलभराव होने से आफत हो गई है। लोगों की नींद खुली तो घरों से पानी निकालने में जुट गए। वहीं पृथ्वीराज मंदिर में पानी भरने से श्रद्धालुओं में गुस्सा भी साफ देखने को मिला है। बड़े ही विडम्बना है, पिछले 7 साल से यहाँ विधायक भी आते हैं, यहाँ मंत्री जी भी आते हैं, सभी को हम पूजन कराते हैं और अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं। हर साल बारिश में श्रावण मास में हमको पानी का भराव झेलना पड़ता है। कुछ लोग तो कुछ मंत्री लोग तो ये कहते हैं, बोले मंदिर आपका प्राइवेट है, आपको ये व्यवस्थाएं करनी है। तो मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं तो हम लोग देख ही रहे हैं, मंदिर के बाहर की निकासी तो कम से कम नगर निगम देखेगा। बड़ी समस्या है, 7 साल से समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हर बार अपनी समस्याओं को हम नगर निगम को अवगत कराते हैं, लेकिन नगर निगम के लोग कुछ ऊपर से करके और फोटो खींच के और ऊपर अधिकारियों को दिखा के उसको वहीं के वहीं मामले को दबा दिया जाता है। उसका पूर्ण कोई निदान नहीं किया जा रहा है। इस बार भी हम उसी पीड़ा से दोबारा दुखद है। ये कब से यहाँ पर पानी, पिछले 7 साल से ऐसे ही भरा होता है। हर बार हर साल में यही भरा होता है। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ आगे पानी की निकासी लोगों को आने वाली परेशानी होती है। क्या है, कोई दर्शन नहीं कर पाता, लोग बाहर से दर्शन करने को जाते हैं। या तो बैंक की जो है वो जितनी सेवा कर सकते हैं जितना निकासी कर सकते हैं करते हैं। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। महापौर जी से निवेदन है कि किसी भी तरीके से इस कार्य को जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराएं, क्योंकि जिससे श्रद्धालु को आने में परेशानी ना हो। मेरी सरकार से लोगों से प्रशासन से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को। आपका भी यही कहना है? हाँ जी, हमारा भी यही कहना है, जल्दी जल्दी पानी का निकास करावे, गाड़ी को साफ करावे और हमारे पानी का निकास निकल जाए। महेंद्र सिंह से पानी किस तरीके से यहाँ पहुँचा। कैमरामैन महेंद्र सिंह। इस समस्या का हल कब निकलता है ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।